पांच दिन से बृहस्पतिवार शाम से पानी भरा है और आज सुबह निकला है। बहुत ज्यादा गंदगी थी यहाँ पे, कीचड़ पूरा जमा हुआ था यहाँ से वहाँ तक। आप खुद देखिए कितने कीचड़ अभी जमे जमा है। आपने कोई पूछने वाला नहीं है, एक से एक बड़ा कमिश्नर बैठता है यहाँ, GST में, इनकम टैक्स में, PWD है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या कहें, हम लोग तो खुद ही मजबूर है यहाँ पे, दुकान देखो बढ़ा के जा रहे हैं हम। नमस्कार, मैं प्रिया जौहर, आप देख रहे हैं N27 न्यूज। भारी बारिश की वजह से दिल्ली में जहाँ जगह जगह इलाकों में पानी भरा था, ऑन रोड पानी भरा हुआ था, वहीं पर बारिश ने इनकम टैक्स ऑफिस को भी नहीं छोड़ा। इनकम टैक्स ऑफिस में भी इस बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। ये पानी कितना भरा हुआ था कि अभी कम होना शुरू हुआ है ये पानी, और ये जो पानी है इनकम टैक्स के ऑफिस के अंदर भरा हुआ था। ये पानी बिल्कुल अंदर तक में भरा हुआ था, ये पानी बहुत गहरा था, लेकिन अभी ये पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। अब ये पानी कम हो रहा है तो ये पानी जा कहाँ रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कि इनकम टैक्स ऑफिस का जो पानी भरा हुआ है, ये पानी कहाँ निकाला जा रहा है और कहाँ भरा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स वालों ने जो पानी छोड़ा है, ये पानी बिल्कुल इस तरह से भरा हुआ है कि यहाँ के सारे दुकानदारों को परेशानी हो रही है। आइए जानते हैं अंकल जी से कि अंकल जी, ये पहले तो बारिश का पानी भरा हुआ था यहाँ पर 4-5 दिन से, वो थोड़ा बहुत कम होना शुरू हुआ है, तो अब इनकम टैक्स वालों ने अपने जो ऑफिस के अंदर पानी भरा हुआ था उसे रोड पे छोड़ना शुरू कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो यही कहना चाहेंगे कि पानी नहीं भरना चाहिए, कोई छोड़े कुछ भी करे, चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ भी आए, पर पानी नहीं भरना चाहिए बस। इनकम टैक्स वालों ने जो पानी रोड पे छोड़ा है, इनको बल्कि कुछ और जुगाड़ लगाना चाहिए था इस पानी को निकालने के लिए, मगर इन्होंने क्या किया है कि रोड पे पानी छोड़ दिया है, आम लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। उधर भी पीछे गली है, उधर भी छोड़ सकते थे, पर उधर नहीं छोड़ा, इधर ही छोड़ दिया। क्यों ये पानी क्यों यहाँ छोड़ा जा रहा है? इसीलिए छोड़ा जा रहा है कि दफ्तर खाली हो, दफ्तर उनको भी तो परेशानी होती है, दफ्तर में उन्हें परेशानी हो रही है, यहाँ पर आम जनता जो परेशान हो रही है उसके लिए क्या कहेंगे? अब जो लोग आते हैं काम करवाने, उनका काम नहीं हो पाता, तो वो भी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। बारिश का पानी जो भरा हुआ था, इससे आपका कितना नुकसान हुआ? नुकसान क्या, ये जो नुकसान ही नुकसान है, सवेरे से परेशान है, साफ कर रहे हैं, पोछ रहे हैं, और फिर भी पता नहीं, थोड़ी बारिश हो रही है तो फिर पानी भर जाएगा, फिर हमें समेटना पड़ेगा। कितना ऊंचा करोगे, या तो सारा सामान तो घर ले नहीं जा सकते। यहाँ पर बारिश होती होगी तो कितनी देर में पानी भर जाता होगा? बारिश में तो खैर कम भरता है, क्यों पानी ये है, ये मेरे ख्याल से इधर लाल बत्ती से और इधर ये एक पॉइंट तक का पानी आता है इधर, मतलब यहाँ पानी नहीं भरता, बाहर रोड पे जो पानी भरता है बाहर से, हाँ बाहर से जो, अगर यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो तो कुछ नहीं होता। अंकल जी, यहाँ पर बारिश हुई है, बारिश के बाद पानी भरा, और पानी जो भी कम हुआ होगा बारिश का, इनकम टैक्स वालों ने अपना ऑफिस का पानी बाहर रोड पे छोड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब इसके बारे में क्या कहें, इनकम टैक्स में मशीन लगी है मतलब पानी निकालने के लिए, ठीक है, और वो गंद सारा भरा हुआ आपके सामने सारा है, तो क्या कहें, हम लोग तो खुद ही मजबूर है यहाँ पे, दुकान देखो बढ़ा के जा रहे हैं हम। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं है, किस तरह से इसके अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? अब हम लोग क्या बोले, हम तो दुकानदार आदमी है, वो तो ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, अब वो जो उसे भी करेंगे, हम क्या बोल सकते हैं कि इन्हें जिस तरह से इन्होंने ये हरकत की है जिसके वजह से पहले भी यहाँ पे आप सुबह आए हो तो देखते कितना गंद भरा हुआ था, तो पानी छोड़ दिया, कुछ गंद निकल गया जैसे बह गया समझ लो। अच्छा, तो इससे पहले ज्यादा गंदगी थी? बहुत ज्यादा गंदगी थी यहाँ पे, कीचड़ पूरा जमा हुआ था यहाँ से वहाँ तक, आप खुद देखे कितना कीचड़ अभी भी जमा है यहाँ पे। अच्छा, इसकी वजह से आप लोगों की जो दुकानदारी पे असर पड़ा है, इसके बारे दुकानदारी पे हमारे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, दुकान का सारा सामान हमारा बर्बाद हो गया, पानी में गीले हो गए, आज आया हूँ 4-5 दिन के बाद में दुकान खोलने के लिए, वो भी सामान सुखवाया हूँ, कुछ पड़ा हुआ है इसे फेंक दिया, बहुत काफ़ी असर पड़ा है। कितना नुकसान हुआ? कम से कम 15,000 का नुकसान तो मेरा हुआ है, छोटी दुकान पे सारा पानी भर गया था उसके अंदर, मैं ऐसे में गंद में कोई आ ही नहीं सकता है जो कि यहाँ कोई सामान खरीदेगा। यहाँ पर सारे ऑफिस हैं, मेन ऑफिस अभी बंद है क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है, लाइट कटी हुई है, सारा अंदर ऑफिस के अंदर गंद भरा हुआ था, सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पर जो पीने के पानी का जो इशू, पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे, पानी बंद कर रखा है, लाइट बंद कर रखी है, 5 दिन से बृहस्पतिवार शाम से पानी भरा है और आज सुबह निकला है।
कोई पूछने वाला नहीं है, एक से एक बड़ा कमिश्नर बैठता है यहाँ, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, PWD है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, किसी को दिखाई नहीं दिया या पानी बन गया। और उसके बाद भी जो इनकम टैक्स वालों ने पानी छोड़ दिया, वो तो छोड़ेंगे ही, बाहर निकलता है यहाँ से या पानी, यही से पानी बाहर निकलता है, रास्ता यही गली में फिर पानी भरा हुआ है। तो देख सकते हैं आप कि लोग यहाँ पर किस तरह से परेशान हैं इस पानी के भरने से, कहा यहाँ पर मेन ऑफिस है उसके बावजूद कोई समाधान नहीं है इस पानी को निकालने का। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे N27 न्यूज, मैं प्रिया झा कैमरामैन रोहन के साथ। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।